क्या आप वही बोरिंग खाना खाकर ऊब चुके हैं? पैसे खर्च करके कुछ बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का जायका लेना चाहते हैं? इस तरह की डिश आपको हजारों डॉलर जितनी महंगी पड़ सकती है, यकीन नहीं आता? तो बने रहिए हमारे साथ ये जानने के लिए कि आखिर ऐसे कौन से पकवान हैं जो सिर्फ अमीर ज़ादों की किस्मत में है। कॉफिन बेकिंग ऑयस्टर्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारी सबसे प्रेस्टिजियस एंट्री ऑयस्टर्स से। जब तक कि आप माला माल ना हो, ये बेबीज फ्राइडे रात को आपके डिनर में शामिल नहीं हो सकते। इस फेमस फूड की कई किस्में हैं, लेकिन ऑयस्टर्स के राजा का टाइटल केवल एक को मिलता है, कॉफिन बेकिंग ऑयस्टर। कॉफिन बेकिंग ऑयस्टर ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पर एक शेल्टर्ड पेनिनसुला में स्थित छोटे से खेत में उगाए जाने वाले मोलस्क की एक्सक्लूसिव वैरायटी में से एक हैं। खंगाल करवा देने वाले इन मोलस्क की कीमत लगभग $75 पर पीस है। एवरेज 18 महीने के बाद 6 साल तक बड़े होने के बाद हर ऑयस्टर का वजन 2 पाउंड तक हो सकता है, जिसका मतलब है कि उनके अंदर नॉर्मल ऑयस्टर के मुकाबले में 10 गुना अधिक मास हो सकता है। उनकी तीखी स्मेल और कॉम्प्लेक्स टेस्ट ने उन्हें द ऑयस्टर स्टीक ऑफ द ओशन का खिताब दिलाया है। लेकिन अगर आप इस ऑयस्टर शेल को खोलना चाहते हैं और खुद देखना चाहते हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के आयर पेनिनसुला तक जाना होगा। अल्मास मछली के अंडे। ऑयस्टर एक ग्रेट एपेटाइजर है, लेकिन अगर आप वास्तव में इसे शानदार बनाना चाहते हैं, तो कुछ कैवियर इसमें क्यों ना डाल दिए जाएं। नजर डालें ऑलमाइटी अल्मास कैवियर पर, जिसके हर 2.2 एलबी टिन की कीमत $25,000 है। बेशक टिन 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है, इसलिए ये पैसा वसूल है। सही कहा ना हमने? कैवियर अक्सर स्टर्जन फिश की सेवरुगा ओसेट्रा और बिलुगा स्पीशीज के अंडों से बनाया जाता है, लेकिन व्हाइट कैवियर एक्सक्लूसिव रूप से कैस्पियन सी में रहने वाले अल्बिनो बेलुगा स्टर्जन फिश के अंडे से आता है। एल्बिनिज्म का वजह बनने वाले जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण एल्बिनो बेलुगा अब बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन ये बात भी अमीरों को उन अंडों को खाने से नहीं रोकती, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये मोती जैसे अंडे 100 साल पुराने नमूनों से लिए गए हैं, और बताया जाता है कि इसमें एक डीप नटी मलाईदार स्वाद होता है, जिसका मजा टोस्ट या बर्फ पर लगाकर लिया जा सकता है, और वोडका के साथ तो या क्या ही कहने। अल्मास कैवियर लंदन में कुछ चुनिंदा कैवियर हाउस और प्रूनिया स्टोर्स में से एक से खरीदा जा सकता है। और क्या ये मैंने बताया कि इसे आमतौर पर मोतियों से बने चम्मच से खाते हैं? चिड़ियों के घोंसले का सूप। क्या आपको कभी एक पेड़ पर चढ़कर पक्षियों के पूरे घोंसले को काटकर खाने की भयंकर इच्छा हुई है, या फिर घर ले जाकर उसका सूप बनाने की? यकीन मानिए, चिड़ियों के घोंसले का सूप चीन में एक मशहूर खाना है, और इसकी कीमत $2,500 से $10,000 पर केजी के बीच है। ये सूप किसी पुराने पक्षी के घोंसले का नहीं है, बल्कि स्वालोस या स्विफ्टलेट चिड़िया के घोंसले का है, जो कि 100% उनकी लार से बने होते हैं। वास्तव में ये पक्षी अपनी ठोस लार से अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं, लेकिन कुछ खाने के शौकीन लोगों के लिए तो ये भी कम है भाई। जब घोंसलों को पानी में उबाला जाता है, तो नाजुक घोंसले एक जिलेटिनस ग्लूप में घुल जाते हैं, जिसको सूप के लिए परफेक्ट माना जाता है, और यकीनन बहुत स्वादिष्ट होता है। लगभग $100 प्रति बाउल कीमत से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन घोंसलों तक पहुंचना कितना मुश्किल है। तैयार घोंसलों को ढूंढकर लाने के लिए पहाड़ चढ़ने वालों को मलेशिया में मडाई गुफाओं की अंधेरी और चक्करदार ऊंचाइयों को पार करना होता है। घोंसलों को ठीक तभी निकालना होता है जब अंडों की एक बैच से बच्चे निकल गए हों और दूसरे बाकी हों। उसके बाद हर एक छोटे पंख को एक एक करके हाथों से हटा दिया जाता है। आयम सिमानी काला चिकन। चिकन सबसे अनोखा मेन्यू आइटम तो नहीं है, लेकिन क्या आपने पहले कभी ऐसा देखा है? आयम सिमानी चिकन, जो इंडोनेशिया से आता है, ना सिर्फ इसके पंख स्याह काले हैं, ये अंदर से भी पूरी तरह से काला होता है। इसे लैम्बोर्गिनी पोल्ट्री भी कहा जाता है, और ये बहुत धीरे धीरे बड़ा होता है, और इसका स्वाद कथित तौर पर आपके रेगुलर चिकन के स्वाद से थोड़ा बेहतर होता है। लेकिन हकीकत में सिमानी को उसके स्वाद के लिए नहीं खाया जाता। इसकी मांग का एक कारण ये भी है कि ये एक मायावी पक्षी है और 12वीं शताब्दी से जापानी लोक कथाओं का हिस्सा है, जहां इसे एलीट क्लास का रहस्यमय भोजन माना जाता था। अफवाह ये भी है कि कुछ संस्कृतियों में इसके काले चारकोल खून को आकर्षण माना गया है, और इससे खाने से शक्ति और धन मिलता है। अमेरिका में सेमानी मिलना मुश्किल है, इसलिए एक एडल्ट चिकन को $2,000 तक बेचा जा सकता है, और उसके चूजे को $200 तक। लॉबोनोट आलू। जब खाने की बात आती है, तो आलू को सबसे मामूली चीज माना जाता है, लेकिन इसकी लॉबोनोट वैरायटी की तो बात ही कुछ और है। ये स्पॉट इतने फेमस हैं कि इन्हें आलू की दुनिया के कैवियर के रूप में भी जाना जाता है।
क्यों? क्योंकि आप पूछ सकते हैं, सबसे पहले ये विशेष रूप से वेस्टर्न फ्रांस के तट पर नोएर मोटियर के छोटे से आइलैंड पर उगाए जाते हैं, जिसमें हर साल केवल 20 टन का प्रोडक्शन होता है। उन्हें बेचने के लिए तैयार करना भी एक मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि वो मशीन से काटे जाने के लिए बहुत नाजुक होते हैं। हर आलू को केयरफुली हाथ से चुनना जरूरी है। लो बोनोट आलू खरीदने के लिए एडिशनल एफर्ट्स को देखते हुए आप सोच रहे होंगे कि क्या इतनी कीमत के लायक है ये। सुपडब्सपर्ट के फैंस का कहना है कि समुद्री हवा और समुद्री जल जो मिट्टी के लिए फर्टिलाइजर का काम करते हैं, आलूओं को समुद्री नमक का स्वाद देते हैं, यहां तक कि नींबू का भी। अगर आपको चाय की चुस्कियों के साथ लो बोनोट्स के चटखारे लेना है तो बस इतना जान लीजिए कि आपको ये $300 प्रति पाउंड में मिलेंगे। व्हाइट ट्रफल्स। अगर कोई एक ऐसी चीज है जो किसी डिश को उसके अगले लेवल तक ले जा सकती है तो वो है ट्रफल्स। ये सुगंधित मशरूम दुनिया के सबसे अनोखे खाने में से एक है। रोमन्स भी इनके कायल थे और उनका मानना था कि ट्रफल्स में एरोटिक और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी। व्हाइट ट्रफल्स, जिन्हें किचन डायमंड भी कहा जाता है, सबसे बेहतर होते हैं। पके हुए घुमावदार सफेद मशरूम सिर्फ अक्टूबर और दिसंबर के बीच नॉर्दर्न इटली के पीडमांट के जंगलों में ही चुने जा सकते हैं। यहाँ इसे ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि पेड़ों की जड़ों के साथ साथ ये गंदगी के एक इंच नीचे पनपते हैं। ट्रेंड कुत्ते या सुअर को ट्रिफल कल्चर के रूप में जाना जाता है और इन्हें जमीन के नीचे छिपे हुए खजाने की तलाश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिस्ट ने सफेद ट्रफल्स को घर में उगाने की कोशिश की और असफल रहे। इस वजह से आप भी इन्हें अपने लोकल सुपरमार्केट में इन्हें फिलहाल तो नहीं देख पाएंगे। इन सभी वजहों से ट्रफल्स खाने के शौकीन इससे आकर्षित होते हैं। उनका पावर हाउस फ्लेवर रिसोटो, पास्ता और यहाँ तक की फ्राई ग्रास और भी ज्यादा दिलचस्प बनाता है। व्हाइट ट्रफल्स की कीमत आमतौर पर लगभग $200 प्रति पाउंड होती है, लेकिन 2009 में एक ऐतिहासिक 1.6 LB का सैंपल नीलामी में $1.5 लाख में बेचा गया। कोपी लोवाक कॉफी। रात के खाने के बाद बहुत से लोग कॉफी पीते हैं, और अगर आप उन मेहमानों की आवभगत कर रहे हैं जो बहुत मालदार हैं, तो सिर्फ कोपी लोवाक कॉफी ही पेश करना चाहिए। माना जाता है कि ये बेशकीमती कॉफी पहली बार इंडोनेशिया में डच कॉलोनियल रूल के समय खोजी गई थी। नेटिव फार्मर्स और प्लांटेशन वर्कर्स को अपने निजी इस्तेमाल के लिए कॉफी की कटाई करने से मना कर दिया गया था और उन्हें इसके लिए इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। तभी उन्होंने एक अजीब सी खोज की। उन्होंने देखा कि सिविट बिल्लियां काफी बेरीज खाती हैं और उनके बीन्स को बिना पचाए बाहर निकाल देती हैं। छोड़ी हुई बीन्स से कॉफी बनाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि इसका स्वाद और ज्यादा मजेदार है, क्योंकि स्वेट्स बिल्लियों ने केवल सबसे पकी हुई बेरीज को खाया था। ये ट्रेडिशन आज भी जारी है और आज असली कोपी लोवाक कॉफी सेलर $250 से $1200 प्रति किलोग्राम के बीच बेचकर इससे कमाई करते हैं। हालांकि इस कॉफी के अनकन्वेंशनल होने को लेकर कुछ विवाद अभी भी उसे घेरे हुए हैं। सिविट ज्यादातर निशाचर होते हैं और उन्हें भूख नहीं लगती, इसलिए अमेरिका में बेची जाने वाली कोपी लोवाक कॉफी का 80% से अधिक कभी बिल्लियों से आया ही नहीं। क्योंकि इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियलाइज किया जा रहा है, तो कई सिविट्स को पकड़ा जाता है और पूरे दिन बेरीज खिलाई जाती हैं, जिससे कई बुरे लोग घटिया कॉफी बनाने लगे हैं। डेंसुकी काला तरबूज। मन भरकर शानदार खाना खाने के बाद मुझे लगता है कि ताजे फल का सैलड खाने से अच्छा डेजर्ट और कुछ नहीं हो सकता। हालांकि इस फल में कुछ खास है। डेंसुकी ब्लैक वाटरमेलन लिस्ट में पहले स्थान पर है। इस अद्भुत तरबूज के हर साल 1 लाख यूनिट उगाए जाते हैं, खासकर नॉर्दर्न जापान में होक्काइडो आइलैंड पर। ऐसा कहा जाता है कि अपने आकर्षक काले बाहरी भाग के अलावा इसका स्वाद ताजा मांस जैसा होता है और इसमें अपने विदेशी भाइयों की तुलना में अधिक मिठास होती है। जापान में सजावटी फलों के लिए एक आकर्षक बाजार भी है, इसलिए डेंसुकी को महंगे उपहारों के रूप में खरीदा जाना आम सी बात है। साइज के आधार पर इसकी कीमत आमतौर पर $250 से ज्यादा होती है, लेकिन 2008 में इसका एक बढ़िया नमूना $6100 में बिका था। खरबूज का राजा युबारी। जापान का पसंदीदा खरबूज युबारी किंग दो खरबूजों के बीच का एक क्रॉस है। डेंसुकी तरबूज की तुलना में ये बहुत ज्यादा महंगा है। ये कीमती फ्रूट होक्काइडो आइलैंड में उगाया जाता है और काफी लोगों के लिए ये उनके स्टेटस सिंबल की निशानी है। स्प्रिंग 2016 में सुपरमार्केट के मालिक ताकामारू कोनिशी ने $27,240 की आकर्षक कीमत पर युबारी किंग्स की एक जोड़ी खरीदकर बहुत सुर्खियां बटोरी, जिसने उसे अब तक का सबसे महंगा बिकने वाला खरबूजा बना दिया। क्या इन प्रीमियम फलों में एक सोने के बिस्किट का स्वाद है? जाहिर है कि उनके पास सिर्फ एक सुपर कॉन्सेंट्रेटेड मिठास है। कोनिशी ने कहा कि उन्होंने युबारी किसानों की कड़ी मेहनत का भुगतान करने के लिए खरबूजे को इतने ऊंचे दाम पर खरीदा, पर कुछ कम मशहूर खरीदारों के लिए भी नीलामी की कीमतें हजारों तक पहुंच सकती हैं। जापान का लग्जरी फ्रूट मार्केट सिर्फ खरबूजे के लिए नहीं है। 2019 में ताकामारू कोनिशी ने रूबी रोमन क्रेप्स के एक गुच्छे के लिए $11,318 देकर एक बार फिर सबको चौंका दिया।
जिससे एक अंगूर की कीमत लगभग $370 हो गई थी। इस रेयर वैरायटी को इसके जूस, हाई शुगर कंटेंट और लो एसिडिटी के लिए सराहा जाता है। और हाँ, क्या मैंने बताया कि वो अंगूर टेबल टेनिस बॉल के आकार के हैं और बहुत सालों तक ब्रीड करने के बाद विकसित होते हैं। जब वो अंगूर पहली बार 2008 में बाजार में बिकने आए तो 700 ग्राम रूबी रोमन का बंच लगभग $910 में बिका और तब से उनकी कीमतें केवल आसमान ही छू रही हैं। गधे के दूध से बना चीज खाने के बाद चीज खाना हमेशा मजेदार होता है, लेकिन इस तरह की दावत के लिए साधारण चेडर चीज काफी नहीं हो सकता। आप चाहे माने या ना माने, डोंकी चीज एक ऐसी चीज है जिसे पुले के नाम से भी जाना जाता है और ये काफी महंगा होता है। सर्बियाई किसान स्लो बोर्डन सिमिक ने अपने फार्म पर ज़ाविका नेचर रिजर्व के 300 गधों की मदद से सजीव कलेक्शन को बनाया। प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड के भरपूर होने के दावे के साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। गधे से दूध निकालना कोई आसान काम नहीं है। एक बार में लगभग 20 जानवरों से ही दूध निकलता है और एक पाउंड चीज बनाने के लिए कई गैलन दूध की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीज को ट्रेडिशनल तरीके से बनाने के लिए उनके दूध में अधिक कैसन नहीं होता, जो दूध को गाढ़ा करता है। शुक्र है सिमिक के पास चीज बनाने का एक गुप्त तरीका है, लेकिन इसके लिए अच्छी कीमत चुकानी पड़ती है। ये प्रत्येक किलो लगभग $1,110 में बिकता है। ये डोंकी चीज के लिए बहुत ज्यादा है भाई, आपको नहीं लगता क्या ऐसा? इनमें से कौन सी प्रीमियम डिश को आप सबसे पहले ट्राई करना चाहेंगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।